हाय फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी फुटवेयर। तो देखिए, आज आपके लिए हम यहाँ पे कुछ स्कूल शूज लेके आए जो कि आपका लेडीज़ का है और जेंट्स का है। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि जब भी कोई आप कोई शॉप में जाएं स्कूल शूज खरीदने के लिए अपने बच्चे के लिए, या कोई स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद ही जाते हैं दुकान में शॉप में अपना स्कूल शूज परचेस करने के लिए, और इसमें ब्लैक आता है और वाइट आता है। तो दो तरह का स्कूल शूज होता है, वाइट और ब्लैक। इसमें से आप कुछ भी परचेस करने जाते हैं तो इसमें आपको क्या चीज़ देखना चाहिए ताकि वो जो जूता आप परचेस करते हैं स्कूल शूज परचेस करते हैं तो वो आपका ज़्यादा दिन तक चले और आपका जो है इस शूज का प्राइस आपको कम पड़े और ज़्यादा लास्टिंग हो। तो कौन सा कंपनी का आपका लेना चाहिए, और अगर मान लीजिए आप कोई ब्रांड नहीं लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे चालू कंपनी भी है जिसमें अच्छा अच्छा शूज आते हैं और जिसका लास्टिंग भी अच्छा होता है, यानी कि टिकाऊ भी अच्छा होता है। तो आपको क्या क्या देखना चाहिए इस शूज को परचेस करने से पहले और क्या क्या देख के लेना चाहिए, यही चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और पीछे देख पा रहे हैं ये मेरा खुद का शॉप है और हम खुद ही बेचते हैं ये स्कूल शूज। तो हम आपको बताएंगे आज को कि कैसे आप इसको जांचें कि कौन सा शूज आपका अच्छा है, कौन सा शूज खराब है, और कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये जेंट्स वाले जो स्कूल शूज है ब्लैक का। तो ये देखिए ब्लैक कलर का है, ये स्कूल शूज है आपका जेंट्स का। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका लेडीज का है, ये भी है आपका लेडीज का है। अब देखिए इनमें इसमें से आपको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप शूज परचेस करने जाएं तो परचेस करने जाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप ब्रांड लीजिएगा अन ब्रांड लीजिएगा। देखिए, अगर ब्रांड लेते हैं तो ब्रांड का प्राइस कुछ ज़्यादा होता है, लगभग ये नन ब्रांड का शूज से लगभग 50-100 रुपये ज़्यादा होता है। और ये जो शूज है आपका ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। तो आप कोई शॉप में जा रहे हैं जब भी आप कोई स्कूल शूज लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए ये शूज जो है इसका वेट जो है कम होना चाहिए, शूज का वेट कम होना चाहिए। और वेट कम होने के साथ साथ ये जो आपका देख रहे हैं सोल, इनका सोल कहते हैं इसका, हम लोग ये स्कूल शूज का ये पीछे वाला की इसको सोल कहते हैं। सोल जो है इसका देखिए, इसमें जैसे कि ग्रिप दिया हुआ, बहुत ही बढ़िया ग्रिप दिया हुआ इस शूज में, तो इसमें आपका स्लिप व्लिप नहीं होगा। तो ग्रिप थोड़ा देख लें आप कि ग्रिप उसका अच्छा है कि नहीं। इसमें देखिए स्लिप नहीं होगा क्योंकि देखिए ये बड़ा बड़ा ग्रिप यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख पा रहे हैं, अच्छा से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिएगा सबसे पहले ये ग्रिप, और इसको इस तरह से मोड़ के आप देख लीजिएगा। अगर ये सोल आपका हार्ड होगा तो ये आपका मुड़ेगा नहीं, और जब भी आप ये स्कूल शूज ले तो ये हार्ड वाला सोल ना ले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये स्कूल शूज है लेडीज का, तो देखिए देखने में आपको स्कूल शूज सेम लगेंगे और प्राइस में बहुत अंतर रहता है, इसीलिए आप जब भी ले तो अच्छा क्वालिटी का ही शूज ले। तो इसका सोल देखिए, ये सोल जो है बहुत हार्ड रहता है, हार्ड होने के कारण क्या होता, ये सोल उखड़ उखड़ के निकलने लगता है कुछ दिन बाद, और ये बीच में ये सब बीच में आपका स्क्रैच हो जाता है, फट जाता है, ऐसे ऐसे आपका स्क्रैच हो जाएगा, फट जाएगा। तो भारी सोल आपका उसमें नहीं लेना चाहिए आपको। और देखिए और एक चीज देखना चाहिए आपको, जैसे कि ये शूज देखिए, इसमें यहाँ पर पीछे साइड देखिए, यहाँ पे जो है हल्का हल्का यहाँ पे आपको मोटा मोटा दिख रहा है, ये जो मोटा मोटा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह लगा होता है जिसको गद्दा कहते हैं हम लोग अपना बोलचाल में, अपना जो दुकानदार है दुकानदार के बोलचाल में। तो ये आपको देख लेना चाहिए इसमें ये। अब देखिए इसमें जो है ये गद्दा जो आप देख रहे हैं, ये गद्दा होना चाहिए जूता में। अगर ये आपका नहीं रहता है तो ये नहीं रहने के क्या कारण होगा, आपका जो जो भी बच्चे इस जूता को पहनेंगे उनका पीछे साइड जो है यहाँ पे घिसेगा ये साइड सब, तो वो क्या होता कट जाता है और उसमें आपका छाला पड़ जाता है। तो जब भी आप ये जूता लें तो इसमें ये गद्दा देख के लें। देखिए जैसे कि ये लेडीज़ का जूता है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे गद्दा दिख रहा है आपको, ये देखिए गद्दा है इसमें, आप देख पा रहे हैं अच्छा से, देखिए इसमें ये देखिए यहाँ पे गद्दा है। और एक ये आता है कम दाम वाला जूता जिसमें आपका गद्दा वद्दा कुछ नहीं रहता, ये देखिए प्लेन रहता है, इसमें सिर्फ इसे कपड़ा का सिलाई रहता है और यहाँ पे देखिए ये गद्दा नहीं रहता। तो ये जूता अगर आप लेते हैं बिना गद्दा वाला तो इसमें क्या होगा, आपका कट जाएगा वो जूता, इसमें आपका पैर कटने का डर रहेगा, छिलने का डर रहेगा, तो आपका पैर छिल जाएगा, कट जाएगा और सोल इसका जल्दी फट जाएगा।
ये आपका हार्ड सोल रहता है, और इसका जो रैक्सिन रहता है ये ऊपर वाला रैक्सिन, इसमें भी कुछ नहीं रहता, सिर्फ रैक्सिन दिया हुआ रहता, बहुत ही पतला रहता। और जब आप बढ़िया कंपनी वाला लेते हैं तो इसके अंदर देखिए रैक्सिन के साथ साथ ऊपर इसके अंदर और एक काला पट्टा दिया हुआ रहता है, यानी कि कपड़ा का इस तरह से देखिए ये काला काला जैसा दिख रहा है आपको, तो ये भी आपका दिया हुआ रहता है वहाँ पे। तो इससे क्या होता, आपका जो कोई भी पहनते हैं इसको शूज को बच्चा, तो उसका पैर जो है आपका अच्छा रहता है, और उसमें अगर आप सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स भी कटता नहीं है। जैसे कि अगर इसमें आप सॉक्स भी पहनिएगा तो आपका सॉक्स भी जल्दी फट जाएगा, और इसमें आपका सॉक्स भी जल्दी नहीं फटेगा, क्योंकि इस साइड में जब भी आपका घिसेगा इस साइड साइड में तो घिसेगा, तो वो सॉक्स भी आपका जल्दी कट जाएगा, फट जाएगा। और देखिए इसमें क्या होता है, कोई इस शूज में देखिए, इसमें ये गद्दा देख लिए आप, सोल भी देख लिए आप, अब देखिएगा इसका जो रैक्सिन है इसको ऐसे मोड़ के देखिएगा, अगर रैक्सिन अच्छा रहेगा तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका स्क्रैच नहीं आएगा, और अगर रैक्सिन अच्छा नहीं रहेगा तो पहले ही आप जब जूता लेने जाइएगा तभी यहाँ पे स्क्रैच आ जाएगा आपका जूता में, तो वो स्क्रैच वाले जब भी स्क्रैच आ जाते हैं उसको आप नहीं लें, तभी आपका अच्छा होगा, नहीं तो आप ठगा जाइएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जांच करके लेना चाहिए जूता को। और देखिए एक लेडीज वाला में यहाँ पे आपका क्लिप वाला आता है, और एक आता है जिसमें आपका साटने वाला रहता है, मतलब कि इस तरह से इसको आप खोलिएगा और यहाँ पे चिपका दीजिएगा, जैसे कि चप्पल उप्पल में साटने वाला जो चप्पल आता है उस तरह से रहता है। तो वो आपको नहीं दिखा पाए हैं अभी हम, क्योंकि वो भी मेरे पास माल है। तो ये अभी आपका देखिए ये क्लिप वाला है, तो ये क्लिप लगाने वाला जो है झंझट ज़्यादा होता है, बच्चा को स्कूल के टाइम में हड़बड़ी रहता है, तो वो क्या करते हैं हड़बड़ी में जल्दी जल्दी जूता पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं और निकल जाते हैं स्कूल के लिए। तो इसीलिए ये क्लिप वाला ना लें आप, क्योंकि क्लिप वाला में थोड़ा टाइम लगता है आपको लगाने में। अगर किसी को क्लिप वाला पसंद है तो क्लिप वाला भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये साटने वाला आप लीजिएगा, तो वो साटने वाला भी ख़राब नहीं होता है लेकिन चलता है ज़्यादा दिन, और आपका पहनने खोलने में उसमें सुविधा होता है, आपको उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो इस तरह से आप जांच के और परख के ही जूता ले, अन्यथा आप ठगा जाइएगा, दुकानदार जो उसके पास जो माल रहेगा वो वही देने का आपको प्रयास करेगा। जैसे कि ये जूता देखिए बहुत ही कम दाम में आता है, लगभग ये 100-150 के अंदर आ जाता है, और आप बढ़िया जूता लीजिएगा ब्रांडेड वाला, थोड़ा मतलब अनब्रांड ही है ये, पूरा ब्रांड नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए पैरागॉन लिए, या फिर आप एक्वालाइट का लिए, लाखाने लिए, बाटा लिए, तो वो सब ब्रांड वाला लीजिएगा, तो ब्रांड वाला लगभग 350 के आसपास पड़ेगा आपका। और ये आपका नॉन ब्रांड लेते हैं आप अगर, तो लगभग ये आपका 200 से लेके 250 के अंदर आपका आ जाएगा, और ये लीजिएगा तो 100 से 150 के अंदर आ जाएगा, ये आप ले सकते हैं। और देखिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं ऑफलाइन तो दुकान में जाके इस तरह से चेक करके ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी स्कूल शूज का बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग क्वालिटी का हम लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आप ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर कीजिए, और घर में आप खुद मंगाइए, घर बैठे ही ऑर्डर कीजिए, घर बैठे ही माल लीजिए। और अगर आपको वहाँ से माल परचेस करने के बाद अगर माल खराब लगता है, पसंद नहीं आता, तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, 7 डेज का आपका रिप्लेसमेंट रहता है, तो आप पहन के उसको देख लीजिएगा, मोड़ मार के देख लीजिएगा, अगर आपको लगेगा जूता खराब है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए आपका 7 डेज का टाइम रहता है, उसके बाद आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है जैसे आप रिटर्न करते हैं उसके बाद, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं उसको। तो ऑनलाइन भी आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारे और भी वीडियो का लिंक है, बहुत सारे क्वालिटी का चप्पल हम दिखाएं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, क्या क्या जाँच करना चाहिए, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए इस तरह का और भी फुटवेयर रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।